लेकर वापस हो गए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोग उन्होंने जो जोड़ के लिए अपना वक्त दिया है, अपना पैसा लगाकर दूर दराज से और सारे राष्ट्रों से देश भर से जुड़कर यहाँ आए, तो उसकी अहमियत और उसकी जरूरत क्या थी हमको अंदाजा लग सकता है। I'm really thankful to all the speakers and the dignitaries who have been here, and Mr. Irfan Engineer also, and Prashant Bhushan will be just arriving in another 2-3 minutes. I'm mixing English and Hindi just to make sure that nobody misses the subject here. I would like to give a small brief about Swaraj Abhiyan. Swaraj Abhiyan ek aisi sansta hai, Swaraj Abhiyan ek aisa gahwara hai, Swaraj Abhiyan ek aisi taqatwar tanzeem ka naam hai jo bahut बहुत शिद्दत से ये महसूस करती है कि इस देश में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर गरीबों के साथ नाइंसाफी होती है, किसानों के साथ नाइंसाफी होती है, हमारे शिक्षा के पूरे निज़ाम को दरम भरम कर उसको बिल्कुल डेसिमेट करने की कोशिशें होती हैं, जहाँ पर सिर्फ कॉर्पोरेट्स का रूल होता है, जहाँ पर जो है पूंजीपतियों का राज चलने की ऐसी कोशिशें की जाती है, जहाँ पर आम आदमी के इंसानों के दर्द जिस जो दर्द से जूझ रहे हैं उन लोगों की बात नहीं की जाती, और बहुत इत्मीनान से बहुत ही अच्छे अंदाज से कि बिना मुस्कुराकर सारे हिंदुस्तान के अक्सरियत लोगों को इस बात से दूर रखते हैं कि मुल्क भी कोई चीज़ है, भाईचारा भी कोई चीज़ है, इंसानियत भी कोई चीज़ है, मिल बांट कर सब चीज़ को बांट कर इसके रिसोर्सेज को शेयर करने की ज़रूरत की बात है कि सारी हमारी सियासती पार्टी करती है, सियासत के सारे सियासती पार्टी जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब का यही काम है और यही उनका कारोबार है। एक कारोबार की तरह करते हैं जहाँ पर नफरतें फैलाते हैं, जहाँ पर लोगों के घर दरारें पैदा करते हैं, जहाँ पर खौफ पैदा करते हैं, जहाँ पर डिग्निटी जो इंसानों में सबसे अहम बात होती है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारे अस्तित्व हमारे डिग्निटी के ऊपर बात करने से नहीं चूकते ताकि वो अपने इख्तदार को पा सकें, अपने डब्बों में जो बंद करकर इन्होंने वोटों को रखा है उस वोटों को अपने हाथों से जाने न दे सकें। इस किस्म की साजिशें आज इस मुल्क में चल रही है हमको नजर आ रही है, मुझे ये बात बार कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वराज अभियान ने एक बेड़ा उठाया, स्वराज अभियान ने यह बेड़ा उठाया प्रशांत भूषण जी की अगुवाई में। प्रशांत भूषण जी अभी आ चुके हैं, आई रियली वेलकम प्रशांत भूषण जी इज हियर, प्रशांत भूषण जी थैंक यू, प्रशांत भूषण जी यू आर वेलकम। स्वराज अभियान प्रशांत भूषण जी, आनंद कुमार जी, योगेंद्र यादव जी, अतीत जी और हमारे सारे साथी ये समझते हैं कि मुल्क में अमन की सख्त जरूरत है और कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले के साथ लड़ने की जरूरत है, और ये लड़ जब हम जब लड़ सकते हैं जब हम सब मिलकर